जी अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम सर। आपने उसको एक्सटेंड नहीं किया था 40 मिनट्स को? सर मैंने किया था लेकिन वो फिर भी हो गया था, क्योंकि उससे पहले भी मैंने एक दफा बीच में कर दिया था। नहीं, जब आपको वो वार्निंग भेजता है ना, आपने तब करना होता है, उससे पहले नहीं करना होता। सर मैंने तभी किया था, उसने वार्निंग दी थी कि 10 मिनट्स रह गए हैं, तो मैंने तब कर दिया था। चले सोके, मैंने आपको बताया था ना कि जूम के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उसमें ये भी प्रॉब्लम है। चले सोके, तो हम बात कर रहे थे जी। निफला प्लीज। ये सर हम पानी के बारे में बात कर रहे थे कि अब तक हम लोग डैम क्यों नहीं बना सके, और ये कि अगर हम लोग डैम बना लेते उससे हमारे बहुत सारे मसले सॉल्व हो सकते थे। हम लोगों के जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है वो पूरा हो सकता था, और सिर्फ पानी से हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का ही नहीं, हम लोग बाकी मसले भी सॉल्व कर सकते थे। यानी कि फसलों वगैरह का अगर कोई मसला होता है, यानी अब पीने के लिए साफ पानी भी अवाम को मुयसर नहीं है, अवाम साफ पानी नहीं पी सकती है। इसमें बहुत बड़ा जो डिफॉल्ट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारी अथॉरिटी का है। अगर हम लोग डैम बना लेते या पानी को प्रिजर्व कर लेते तो हमें इन सब मसलों से ना गुजरना पड़ता। तो मेजर मसाले ये थे जो 1963 में जो सिंतास माहिदा से हुआ था उसके अंदर ये इश्यूज आए थे कि हम लोग सही तरह मैनेज नहीं कर सके थे उस सिचुएशन को, और इसीलिए हम लोग अभी तक इसके बारे में आर्ग्यू करते कर रहे हैं। यस सर। बिल्कुल सही कहा आपने निफला। तो तैयब क्लास में है, तैयब भी लाइट भी ऑफ करो। तैयब क्लास में है, तैयब पहली क्लास में तैयब थे, मेरा ख्याल है उनको आवाज का मसला था। तो तैयब है क्लास में, मिर्जा तैयब ये नाम नजर आ रहा है। ये तैयब आपको आवाज अब सही आ रही है? तैयब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिनेश, अब आपको आवाज सही आ रही है? बिनेश जी, जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्ला। आवाज सही आ रही है आपको बिनेश? सर अभी भी बहुत कट कट के आ रही है, क्लियर आपके नहीं। आपके नेट का मसला है? क्योंकि आज वो बारिश वारिश हुई है ना, तो अक्सर इलाकों में नेट का मसला है, कहीं लाइट का मसला है, तो ये मसला है आज। तो मैंने आ, आ, जो पॉइंट्स हैं हमारे, आप जहन में रखें कि अभी निफला भी आपको और तमकनत जो है वो बता देंगी, उसमें पॉइंट्स लिख देंगी आपको कि 1947 से 56 का जो दरमियानी एरिया एरा है, ये हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और उसके बाद अब जनरल अयूब के उस दौर पे जा रहे हैं कि जब सिंध ताज के हमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और ईस्ट पाकिस्तानी हमसे क्यों नाराज हुए थे वो हमने डिस्कस किया डिटेल में। इसको मजीद हम आगे इसी डिबेट को बढ़ाते जाएंगे और सारा कोर्स हमारा साथ साथ इसके कवर होता जाएगा, क्योंकि उसमें मुख्तलिफ इशूज साथ साथ रिजॉल्व होते जाएंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं जी निफला के, हम बात करते हैं। कोई और भी मुझे इस पे ज्वाइन करना चाह रहा है इसी डिबेट में, हम आ जाते हैं। एक तो सिंध ताज ट्रीटी थोड़ा सा आपको समझ में आ गया, दूसरा इसके अलावा जो मसला था 58 में क्या हुआ था जी निफला, 56 में कॉन्स्टिट्यूशन बना और 58 में क्या हुआ था जी? सर पाकिस्तान का सबसे पहला मार्शल लॉ लगा था अक्टूबर में, जी और सर अक्टूबर ये जनरल सिकंदर, ये सर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने लगाया था, और सर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर उन्होंने कमांडर इन चीफ मोहम्मद अयूब खान को बना दिया था। एक्चुअली ये माशाल्लाह जनरल अयूब ने ही लगाया था। ही वाज वेरी क्लोज टू मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा, दैट वाज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और उसके साथ ही इन्होंने उसको चंद दिनों बाद जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा के उसको उनकी फैमिली समेत बाहर भेज दिया, और उनकी बाहर ही डेथ हुई सिकंदर मिर्जा की। और सिकंदर मिर्जा जो था वो उसकी औलाद था मीर जाफर की, बंगाल का जो मीर जाफर था आपको याद होगा, जिन्होंने सिराजुद्दौला के साथ गद्दारी की थी, जिसने और जिसकी वजह से 1757 की जंगे प्लासी, द बैटल ऑफ प्लासी, उसमें मुसलमानों को पहली शिकस्त हुई थी जो हिंदुस्तान में
और जो बंगाल का जो सूबा था वो मुगल एम्पायर से खत्म होके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया था। तो ये कह रहे हैं ये फैमिली ऑफ ट्रेटर्स ये बिलोंग्स टू, तो उसमें उसके अंदर मिर्जा खैर जब चला गया तो जनरल अयूब जो वाज फर्स्ट चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उसने अपने को बना लिया। उसके बाद पाकिस्तान में पहला मार्शल लॉ जो है इम्पोज हुआ। ये वो चीज जनरल अयूब के बारे में कहा जाता है कि कायदे आजम ने, इन्होंने एक दफा मशवरा देने की कोशिश की कायदे आजम को, ही वाज एडीसी ऑफ जिना, तो जिना ने इनको डांट दिया था और जिना ने कहा था कि ये शख्स जो है इसको प्रमोट ना किया जाए क्योंकि ये, और लेकिन यही हुआ कि जब, ये भी कहा जाता है जब अयूब को अपॉइंट कर दिया उस वाले की इस्टेब्लिशमेंट ने ढाका में, तो कायदे आजम जब ढाका गए लास्ट टाइम तो ये वहां था एयरपोर्ट पे, तो जिन्ना ने गुस्से से कहा उस वक्त के, तुम अभी तक आर्मी में हो, ये नहीं इसका मतलब था कि कायदे आजम को इस शख्स के, यानी कायदे आजम इतने बड़े स्टेट्समैन थे कि वो बंदों को देख के समझ जाते थे कि ये क्या क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी वक्त इसके बारे में गलत, मतलब है इसकी जो सोच थी उसका अंदाजा लगा लिया था। तो जनरल अयूब जो है बहरहाल वो पहला मार्शल लगा के 58 में आ गए, डेमोक्रेसी को पाकिस्तान में खत्म कर दिया गया पाकिस्तान बनने के चंद साल बाद ही। और उसके बाद पाकिस्तान में एचएस में एक पीछे रोल है जिसका उस जमाने के ब्यूरोक्रेट्स ने जो किताबें लिखी हैं और वो जिक्र करते हैं, बल्कि एक पाकिस्तान के पहले जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे, एयर चीफ मार्शल एयर मोहम्मद असगर खान, जो ही वाज अ हीरो ऑफ 1965 वॉर अगेंस्ट इंडिया और फर्स्ट चीफ ऑफ मुस्लिम चीफ ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स, जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स को बनाया एक्चुअली, एयर मार्शल असगर खान, उनकी किताबें हैं दो चार, उसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल अयूब के शुरू से अजायम जो थे वो हुकूमत करने के ही थे, और उन्होंने अपनी किताबें लिखी, खुद उस जमाने के जो एडी थे जनरल अयूब के, उनकी किताबों में मौजूद है कि वो पहले ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे कि जिससे इकदार उन्हें मिलता और वो आपस में उस जमाने के लोगों को, मतलब अपनी पॉलिसी के तहत वो अपना काम कर रहे थे। तो ये एयर मार्शल असगर खान की मुख्तलिफ किताबों में जिक्र है, तो अगर आप उनको पढ़ना चाहें लाइब्रेरीज में मौजूद है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी है कुछ किताबें, कुछ हैं कुछ इस वक्त आउट ऑफ प्रेस है, लेकिन पाकिस्तान की मेन लाइब्रेरीज में है, पंजाब यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में होगी, इसमें कायदे आज़म लाइब्रेरी में है, बागे चुनाव में मौजूद है, पंजाब पब्लिक लाइब्रेरी में चेक कर लीजिए वहाँ भी होंगी, तो तमाम बड़ी लाइब्रेरीज में किताबें मौजूद है एयर मार्शल साहब की। ये जो एयर मार्शल असगर खान जो पिछली तरफ फौत हुए 2 साल पहले, बड़ा केस चलता रहा सुप्रीम कोर्ट में, अभी भी जिक्र आता है उनकी बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सी किताबें हैं, कुतुबुल्लाह शहाब साहब ने लिखी है किताब, अल्ताफ कोहर साहब ने किताब लिखी है उस जमाने के लोग जो ब्यूरोक्रेट्स थे बड़े, जनरल अयूब के शुरू के अजायम जो थे वो कोई अच्छे नहीं थे। अयूब के जमाने में ये हुआ कि तमाम मीडिया को कंट्रोल कर दिया गया और मीडिया से सिर्फ एक खबर रिलीज की जाती थी, जो मिलिट्री के जो उस जमाने के कहा जाता था कि ये सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, इतना अच्छा हो रहा था तो पीस पाकिस्तान कैसे टूट गया था। यानी इधर अयूब ने 69 में रिजाइन किया, जो उसके अपने ही कमांडर इन चीफ ने, उसके अपॉइंटेड ने उसको रिजाइन करवाया जबरदस्ती, और उसके 2 साल के अंदर अंदर ईस्ट पाकिस्तान आपसे टूट गया। यानी ईस्ट पाकिस्तान टूटने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की 56% एक्चुअली पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा टूट गया, मतलब आप ये कहते हैं ना कि एक्चुअली पाकिस्तान तो पॉपुलेशन के ऊपर होता है ना, मुल्क जो होते हैं आबादियों पे चलते हैं, तो आबादी उसकी 56% थी, हम 44% थे। तो अगर वो कहते हैं कि हमें अपना नाम पाकिस्तान रखना है, बांग्लादेशी रखना, तो फिर पाकिस्तान वो होते, हमें अपना नाम बदलना पड़ता। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें पाकिस्तान नाम भी नहीं चाहिए, आप जो मर्जी रखें, हमने अपना बांग्लादेश बना लिया, तो वो फिर हम पाकिस्तान बन गए। ये आपको हिस्ट्री के वो फैक्ट्स हैं जो पता नहीं होते हैं स्टूडेंट्स को मोमन, तो उसके लिए जरा आपको उस जमाने की जो बड़े लोगों ने जो असल ऑथेंटिक किताबें हैं वो पढ़नी चाहिए आपको, उनको पढ़ेंगे तो अंदाजा होगा कि क्या असल सिचुएशन है और किस तरह कैमोफ्लाज किया गया, मीडिया को किस तरह कैमोफ्लाज हुआ। आई एम द पार्ट ऑफ मीडिया, और मैंने मीडिया पे बुक्स भी लिखी हैं, मेरी ज़्यादातर किताबें जो हैं वो मीडिया के हवाले से ही हैं, और हिस्ट्री और मीडिया सारा, तो मैं वो बता रहा हूँ कि उसमें तमाम कैमोफ्लाज किया, मीडिया को कंट्रोल कर लिया, इमरोज़ अखबार था तो
इफ्तारुद्दीन साहब का, उस पर भी कंट्रोल कर लिया, पाकिस्तान टाइम्स भी कंट्रोल कर लिया और नवाबत को बंद कर दिया गया, ठीक है। तो ये सारे जो बड़े अखबार थे उन पे कंट्रोल, सहाफियों को कैद कर लिया गया, टॉर्चर सेल्स डाल दिया गया और कोई खबर अवाम तक पहुंच ही नहीं रही थी। खबर सिर्फ वही जाती थी जो उस बने की गवर्नमेंट चाहती थी, बस वही खबर जाती थी। उसको सब अच्छा आ रहा था, सब अच्छा जी, हर जगह बड़ा अच्छी हो रही है चीज, हर चीज फूल ही खिल रहे हैं पाकिस्तान में, बाहर आई हुई है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। लेकिन इधर अयूब गया और अयूब जनरल जाया आया, वो पता जनरल जाया कैरेक्टर क्या था उसके बारे में पता ही आपको, जब पाकिस्तान टूट रहा था तो वो शराब के नशे में धुत पड़ा हुआ था, ये तो सारा पूरी दुनिया जानती है इस बात को। और उसके बाद उसे बोला भी नहीं जा रहा था कि वो क्या कहता क्या बोलता। तो जो वहाँ का जनरल टाइगर न्याजी जो था वो 3 दिन DHQ से रब्ता करता रहा, रब्ता नहीं हो सका और अल्टीमेट सरेंडर करना पड़ा उसको। और ये सारा उस जमाने में हुआ। और अगर वो इतना ही अच्छा 10-15 साल से चल रहा था तो फिर वो फिर पाकिस्तान कैसे टूट गया। तो बस यही इस रोल ऑफ प्रेस, रोल ऑफ प्रेस जो है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी वाइटल। और इसमें प्रवीण शाकिर का थीसिस था PhD का, प्रवीण शाकिर को जानते होंगे, वेरी रिनाउंड ब्यूरोक्रेट एंड पोइटस ऑफ पाकिस्तान और उर्दू लैंग्वेज। उनका उनका जो PhD का थीसिस हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में था वो था रोल ऑफ प्रेस ड्यूरिंग ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन। तो चूंकि उन्होंने हार्वर्ड में सबमिट करवा दिया था, लेकिन उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई 1994 में इस्लामाबाद जीरो पॉइंट पे। तो ज़ाहिर है वो फिर उनकी डेथ होने के बाद वो थीसिस जो है उसका नहीं आ सका, लेकिन हमें चूंकि पता है कि वो थीसिस जो था वो था ईस्ट पाकिस्तान। उसका जो डूबे लबाब है उस थीसिस का यही है कि उस जमाने में प्रेस को जो दबाया गया और जो प्रेस को उस सही पोर्ट्रे नहीं कर सका। प्रेस अब कह रहे हैं आईने की तरह रोल प्ले करता है, रिफ्लेक्ट करता है सोसाइटी की चीज़ों को। अगर आप उस आईने को कहें कि आप हमारी मर्जी से दिखाएं, जैसे मैं सुबह अपना आईना देखूं तो मैं कहूं कि मुझे पता चलेगा यहाँ चेहरे पे कुछ लगा हुआ है, तो आईना मुझे दिखाएगा तो मैं चेहरे पे उसको साफ करूंगा ना। आईना दिखाए मेरी बूथी बड़ी प्यारी है, दाग लगे नहीं हुआ, तो मैं तो साफ ही नहीं कर सकूंगा। तो प्रेस से काम भी आईने की तरह का होता है, एक ऐसा होता है किरदार उसका कि वो उसने बताना होता है गलती कहाँ है, खराबी कहाँ है, दाग कहाँ लगा हुआ है, धब्बा कहाँ है। तो अगर उसको आप कंट्रोल कर देते हैं, उसको कहते हैं नहीं आपने नहीं दिखाना, आप ही दिखाना है यहाँ कोई धब्बा नहीं लगा हुआ, मूंछ बिल्कुल दोनों सीधी एक्यूरेट हैं, ना इधर से छोटी है ना इधर से बड़ी है, तो मेरा तो मजाक बनता जाएगा। फर्ज किया मेरे असल में एक्चुअल पोजिशन ये है कि जैसे मूंछ ज्यादा कट गई है, जैसे कम कटी हुई है, दुनिया में मेरा तवा लग रहा है, लेकिन हमें आईना मुझे दिखा रहा है कि नहीं दोनों मूंछे सही हैं। तो ये यानी आप सोचिए अगर आईना आपको गलत बताए तो आप अपने आप को ठीक नहीं कर सकते, अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकते, हम बहसियत कौन अपने आप को ठीक। तो प्रेस से काम ये होता है, अगर आप प्रेस पे कंट्रोल करते हैं तो वो फिर उससे क्या होता है कि आपकी खराबियां चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे हों, आपके सोशल समाज में हों, आपके इदारों में हों, वो आपको सामने नहीं आती, तो वो ऑब्वियस है। फिर उसके बाद डैमेज स्टार्ट हो जाता है, आपको दुनिया में मजाक बनना शुरू हो जाता है, आपका अपना मजाक बनना शुरू हो जाता है, आपके घरों का मजाक बनना शुरू हो जाता है, जैसे कि इस वक्त बना हुआ है। तो ये 1971 में भी ऐसा ही हुआ था। और अल्टीमेट पाकिस्तान जब टूटा तो फिर आप पाकिस्तान कहाँ, इतनी दुनिया की सबसे बड़ी रियासत थी और मुस्लिम रियासत थी, वो टूट गई। पाकिस्तान के पास जो एजाज था, टाइटल था, तो वर्ल्ड बिगेस्ट मुस्लिम स्टेट, वो खत्म हो गया December 16, 1971। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। आइंदा जो आपका एक क्वेश्चन है, एक तो कश्मीर डिस्प्यूट एक्चुअल सिचुएशन उसकी पूरी हम बात करेंगे और ये आपको पेपर में भी क्वेश्चन विशाल आना है। दूसरा सवाल आपने लाजमी उसको डिटेल में पढ़े कहीं से, और मैंने जो डिस्कस किया भी कुछ बातें वो बताई हैं, प्रवीण शाकिर के थीसिस का हवाला दिया है, वो आपने उसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा किताब है ब्रिगेडियर सदीक साले साहब की, मैंने पहले भी बताया था, विटनेस टू सरेंडर, मैंने ढाका डूबते देखा, इस किताब को पढ़े। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है कि पाकिस्तान कैसे टूटा, एक मिलिट्री ऑफिसर का, एक जो DGISPR भी रहे उनका वो इसमें पूरा दास्तान है, चूँकि ही वॉज इन ईस्ट पाकिस्तान विद जनरल याया खान, जनरल टाइगर न्याजी जो कमांडर ऑफ ईस्टर्न कमांड थे, तो उनके साथ रहे वो, बहुत क्लोज टू, वेरी क्लोज टू जनरल न्याजी एंड वेरी
जो टॉप ब्रॉस लीडरशिप थी मिलिट्री की उस जमाने में ईस्ट पाकिस्तान में, उन्होंने बहुत करीब से उन्होंने सारा मुशाहिदा किया और ऑब्जर्वेशन उनकी जो थी उन्होंने वो किताब लिखी विटनेस ऑफ सेंडर, उर्दू में भी है, मैंने ढाका डूबते देखा, इसको आप पढ़ें, इससे अंदाजा हो जाए। ये PDF में फ्री में नेट पे मौजूद है, जरूरी नहीं कि आप उसको परचेज करें, तो या उसको आप पढ़ सकते हैं, दो चैप्टर पढ़े, इससे आपको अंदाजा होगा कि एक मिलिट्री ऑफिसर के हाई लेवल का जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज रहे हैं, ISPR के DG रहे हैं, उनका इसके बारे में क्या नजरिया है, तो वो आप पढ़ें, उससे आपको ये दो सवाल जो हैं ये हमारे फोकस्ड हैं आइंदा एक दो लेक्चर्स में इंशाल्लाह, और इस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करेंगे ताकि स्टूडेंट्स का आपके जहन में क्लियर हो कि एक्चुअली कश्मीर डिस्प्यूट क्यों हुआ और अभी तक क्या मसला चल रहा है, उससे हम उसकी लेटेस्ट सिचुएशन पर भी आ जाएंगे जो आज कल मसला बना हुआ है कश्मीर में और लद्दाख सेक्टर पे जो लेटेस्ट इश्यूज चल रहे हैं, जो चाइना ने उनके कर्नल समेत जो 20 बंदे मारे हैं और इंडिया वहाँ चू नहीं कर सका और चाइना ने कहा है कि आप उसे, और आज भी जो इंसिडेंट हुआ है जो भी दहशतगर्द मारे गए हैं हमारे स्टॉक एक्सचेंज पे हमला हुआ है, ये सारा उसी के साथ जुड़ा हुआ है मसला कश्मीर के सारे मामला हैं। और इसके अलावा आप ये देखें जो अभी जो ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन है December 16, 1971, आपको पता होना चाहिए दुनिया में कैसा मुल्क है, एक ऐसी नेशन है जो आपसे मेरे आपसे आज़ादी का दिन मनाती है, और जिस तरह हम 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते हैं वो भी कभी 14 अगस्त को आज़ादी का दिन मनाते थे और अब वो 14 अगस्त को आज़ादी का दिन नहीं मनाते, वो हमसे आज़ादी का दिन, उनका इंडिपेंडेंस डे है 16 December 1971, वो हमसे आज़ादी का दिन मनाते हैं और उससे पहले वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलते हैं, हमारे खिलाफ यानी जो हमारे ही भाई थे पहले, वो बताते हैं कि उन्होंने इतना जुल्म किया, जबर किया हमारे साथ, क्योंकि आप अभी UNO में अभी PM इमरान खान की तकरीर पर सितंबर में जो उनकी प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर की है वो बड़ा पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि पाकिस्तानियों ने 30 लाख हमारे उस जमाने की इस पाकिस्तानी को शहीद किया और इंडियन पाकिस्तानी आर्मी ने ये वो किया, जो भी जुल्म किया उन्होंने उस पर यूनाइटेड नेशंस में जिक्र किया, और पाकिस्तान की नॉनसेंस नेगलिजेंस ये देखे कि हमने उसको कंडेम भी नहीं किया, हमें चाहिए था कम अज कम उसको ऑफिशियली कंडेम करते कि नो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमने कंडेम नहीं किया, अगर हमने कंडेम नहीं किया इट मीन्स हमने मान लिया कि हमने जुर्म किया, कितनी नॉनसेंस बात है, ये हमारी फेलियर ऑफ आवर फॉरन पॉलिसी। तो ये चीज़ें सारी आपको पढ़नी है, डिटेल में जरा पढ़ें, मुझसे पूछना है मुझसे पूछें, किताबें पढ़ें, लेकिन गूगल करने से अवॉइड करिएगा, गूगल पर बहुत ज़्यादा बाइस इंफॉर्मेशन है, एक प्रोपेगेशन है बहुत ज़्यादा हॉरिबल किस्म की, जैसे अभी आपने कहा दिया इंडिया से पानी आता है, इंडिया से पानी कैसे आ सकता है, और दूसरी बात अभी पिछले दिनों किसी स्टूडेंट ने मुझे याद है कहा था जहांगीर वॉज अ टेररिस्ट, यानी एम्परर जहांगीर वॉज अ टेररिस्ट, तो ये तो उसका क्लेम है RSS का, तो हम पाकिस्तानी से ऐसी बात या मुस्लिम से बात कैसे कर सकते हैं, जहांगीर वॉज अ वेरी पायस एंड वेरी ग्रेट रूलर ऑफ सब कॉन्टिनेंट बट एंटायर मुस्लिम हिस्ट्री, उसकी तो अदले जहांगीर की मिसालें दी जाती हैं, तब उसको टेररिस्ट कह रहे थे, ये इसी क्लास में स्टूडेंट ने कहा, सो ये बाइस्ड एंड जो प्रोपेगेट जो एक मैकेनिज्म है गूगल पे, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आप चूंकि अभी इमेच्योर हैं और आपका नॉलेज बहुत महदूद है, लिमिटेड नॉलेज है, तो सो आप उसको उसमें से एक्चुअली ट्रूथ को निकालना मुश्किल होता है, सो इसलिए जो मैं किताबें मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कोशिश करें कि उनको पढ़ें या मुझसे रब्ता रखें और जो पॉसिबल इंफॉर्मेशन है वो मुझसे कलेक्ट कर लिया करें। जी एनी क्वेश्चन प्लीज। नो सर थैंक यू, पॉइंट्स क्लियर हुए। ठीक है, तो इस पे दो पॉइंट्स हैं हमारे जिस पे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और वो है जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री, यानी आप कह सकते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, इस पे हम बात करेंगे और ये आपके क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है इंशाल्लाह, इसको नोट कर लें, क्वेश्चन पक्का आना है। सेकेंड क्वेश्चन द कॉजेज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान सेपरेशन इन 1971, ये लाजमी क्वेश्चन आ रहा है, इसको नोट कर लें, इसमें आप पढ़ें अभी से, मुझसे पूछना है मुझसे पूछें, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हुए हैं, दो तीन पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस इस पर किया है और इस पर मजीद हम इंशाल्लाह एक दो लेक्चर्स और लेंगे, इस पर डिटेल में बात करेंगे, तो आप साथ साथ पॉइंट्स नोट करते जा करें, क्योंकि जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ ये आपको आम किताबों से गूगल से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, इसको जरा ध्यान से तो सुना करें।
अपना ख्याल रखें और सोशल डिस्टेंसिंग इख्तियार करें, बाहर मास्क पहन के जाएं, जितना एहतियात कर सकते हैं करें, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें, पेरेंट्स को ज़्यादा ज़्यादा टाइम दें और तो पढ़ाई पे भी तवज्जो दें और फोकस करें, नमाज पढ़ें और हमारे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें। अल्लाह सुब्हान व तआला से हम सब के लिए आजमाइश में हमें जो इस वक्त हैं दुआ करें, खैरियत से हमें अपनी अल्लाह की रहमत से बाहर आ, ठीक है। पाकिस्तान जिंदाबाद। Any question, please, Nifla. Tamkinat, any question? Ji, no, sir. Amina, any question, please? Zameer Fatima, any question, please? Tayyip Saab, any question, please? Ariba, any question, please? Jo mujhe naam nazar aa rahe hain. Theek hai, so ke koi problem ho to mujhe aap individually phone kar sakte hain. Ijazat hai aapko, theek hai? Allah Hafiz. जी सर।